अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ पैराग्राफ करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, हाउ सईदास ड्रीम केम ट्रू, सईदा का ख्वाब कैसे पूरा हुआ। वन डे व्हाइल पिकिंग अप द स्क्रैप एंड वेस्ट शी फाउंड एन इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो सबसे पहले हम एक एक लफ्ज का मानी देख लेते हैं। वन डे, वन डे कहते हैं एक दिन को, और वाइल कहते हैं जबकि, यानी सईदा जो है वो एक दिन क्या कर रही थी, पिकिंग अप, पिकिंग अप चुनना, नीचे से जमीन से चीजें उठाने को कहते हैं पिकिंग अप, स्क्रैप कचरा और वेस्ट फालतू चीजें फुजला जैसे कहते हैं। आपको पता है कि जो बच्चे कूड़ा चुनते हैं वो गंदगी के ढेर में से जो कामदार चीजें होती हैं वो चुनते हैं, तो इसको स्क्रैप एंड वेस्ट कहते हैं। शी, शी बोला जाता है लड़की के लिए कि वो लड़की। फाउंड पाना, कि उसने मिला या पाया, उसने क्या पाया। इंटरेस्टिंग दिलचस्प, इंटरेस्टिंग दिलचस्प। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो है वो इश्तिहार होता है, आपने देखा होगा कि अखबारों के ऊपर इश्तिहार दिए जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह एक कागज का टुकड़ा था अखबार का जिसके ऊपर एक इश्तिहार था, टीवी पे भी इश्तिहार आते हैं। पीस, पीस कहते हैं टुकड़े को, किस चीज का पीस था, पेपर, पेपर कहते हैं कागज को, तो आमतौर पे जो न्यूज़पेपर होते हैं अखबार वो कागज पे होते हैं। एक दिन जबकि वो कूड़ा क्रिकेट चुन रही थी तो उसने कागज के टुकड़े पर एक दिलचस्प इश्तिहार देखा, ये उसका बाब मुहावरा तर्जुमा है। अगली लाइन है, इट वॉज अबाउट एन ओपन राइटिंग कॉम्पिटिशन, सेंड योर राइटिंग ऑन द गिवन प्रॉम्प्ट एंड विन 10,000 रुपीज। तो अब हम इसका मानी देख लेते हैं। इट, ये जो गैर जानदार चीज हो उसको इट कहते हैं। वाज जो है पास्ट, गुजरे हुए जमाने को जाहिर करने के लिए बोलते हैं वाज, था। अबाउट यानी किसके मुतालिक, जो कागज का टुकड़ा है वो किसके मुतालिक था। ओपन खुला, यानी उसमें हर बंदा जो है वो हिस्सा ले सकता था, इसलिए उसको ओपन कहते हैं। राइटिंग, राइटिंग जो है लिखने को कहते हैं। अब आप देखें कि राइटिंग में, लिखने में तो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है लेकिन हम इसको डब्ल्यू को बोलते नहीं है, तो वो ऐसे लेटर्स जो के सिर्फ बोलने में नहीं आते लिखे जाते हैं उनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं, और राइटिंग में डब्ल्यू साइलेंट है। कॉम्पिटिशन मुकाबला, यानी एक ऐसा मुकाबला था जिसमें कहा गया था सेंड, भेजना, और योर अपना तुम्हारा, यानी जो भी उसमें हिस्सा ले वो क्या भेजे, गिवन दिया, दिए गए टाइम में। प्रॉम्प्ट कहते हैं फौरी तौर पर, यानी जैसे ही कोई देखे तो फौरी तौर पर भेजे। विन कहते हैं जीतने को, यानी जब आप किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं तो जो सबसे ज्यादा नंबर लेता है वो जीतता है। ये इश्तिहार एक खुले लिखाई के मुकाबले के मुतालिक था जिसमें आप फौरी तौर पर 10,000 रुपए जीत सकते थे, यानी अगर आप इसमें हिस्सा लें आप जीत जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। सईदा डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, डिसाइडेड फैसला करना, टेक पार्ट हिस्सा लेना, यानी सईदा ने फैसला किया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लेगी, और उसने इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। एट नाइट शी स्टार्टेड राइटिंग हर स्टोरी विच टुक 3 डेज टू कंप्लीट। तो सईदा ने क्या किया कि जब रात हुई तो, नाइट कहते हैं रात को,
क्योंकि वो अपने रात के वक्त ही ये अपना पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। स्टार्टेड शुरू करना, क्या शुरू किया, एक स्टोरी लिखनी शुरू की। स्टोरी कहते हैं कहानी को, स्टोरी कहानी, विच यानी उस कहानी में क्या था जो के, और फिर है टुक, टुक का होता है मानी लेना, और कंप्लीट मुकम्मल करने में, यानी उसको एक कहानी मुकम्मल करने में रात के वक्त उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की जो कि 3 दिन में मुकम्मल हुई। यानी सईदा को रात 3 रातें लगी उसने अपनी कहानी मुकम्मल की। उम्मीद है आपको ये सबक भी पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।